Hello everyone, my name is Dr. Aditya Gupta. So in this video, I wanted to talk about something called as the 80-20 principle or the Pareto principle. So what it's essentially in a nutshell, it says is that 80% of your result will be because of 20% of your efforts. Uh, and this is not valid just for uh, you know, your NEET interest examination or your PG or DM or for that matter. Anything is practically valid for anything in life. Uh, take my YouTube channel for example, 80% of my views are by 20% of my videos.

and this is especially important, especially important since only three months of your दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट स्पेशन थ्री is यू rev, your revision should be strategized you cannot just be like मैं अचानक से जो बहुत ही कम important topic है उस पर बहुत ज्यादा time देने लग जाऊँ ना तुम गलत यूज कर रहे हो अपने ट्वेंटी प्रिंसिपल का एटीन ट्वेंटी प्रिंसि ऐसे कि मैं ज्यादा टाइम important टॉपिक को दूँ ताकि 80 परसेंट रिजल्ट हंडेड परसेंट आए सो दिस इज द रीजन वाई एनसीआर थिंक ऑफ इट दिस वे

तो वही चीज़ एप्लीकेबल होगी तुम तो तुमने ट्वेंटी परसेंट एफर्ट से एट्टी परसेंट से ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हो एंड स्पेशली दिस इज वैलिड फॉर ड्यूरिंग योर रिविजन टाइम कि तुम्हें अपनी रिविजन को स्ट्राटेजाइज करना पड़ेगा एक और एग्जाम्पल ले लो बायोलॉजी में एग्जाम्पल लेग्जाम्पल ले लो यू uh, नो you know, अपने चैप्टर्स का टेक एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम से कितने क्वेश्चन आते हैं दो या तो तो तीन इतना बड़ा चैप्टर है हम लोग इतना बड़ा हवा बनाते हैं वॉज इ टेक बायोटेक फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू चाप्टर्स ईजी चैप्टर्स वेरी इजी टू टू चाप्टर्स बायो हम लोगों ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ी होती है बिकॉज ऑफ गिविंग बोर्ड्स उससे चार या पांच क्वेश्चन आते हैं तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ घंटे स्पेंडिंग टेन आवर्स ऑन एनिमल किंगडम एंड स्पेंडिंग फोर आवर्स ऑन बायोटेक्नोलॉजी शुड डू इट उल्टा एक घंटा कम कर लो बायोटेक में एक घंटा ज्यादा दो या दो घंटे ज्यादा दो टू इन्श्योर कि तुम्हारे बायोटेक में पांच से पांच क्वेश्चन सही हो एनिमल किंगडम तो हो ही जाएंगे राइट सो दैट्स यू हैव टू स्ट्राटेजाई सेम विद फिजिक्स टॉपिक्स लाइक मॉडर्न फिजिक्स छोटे टॉपिक्स बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कम टाइम दो ज्यादा चीज लेके आओ वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड उस वर्क स्मार्ट में हार्ड वर्क करो अंडरस्टैंड द डिफरेंस यू कैन नॉट कीप ऑन वर्किंग लाइक अ डोंकी यू हैव टू योर है तो अगर मान लो लेट्स लेसेस तुम फिजिक्स कर रहे हो तुम्हें साथ में बायो पढ़नी है या केमिस्ट्री कर रहे हो थोड़ी बहुत बायो रिवाइज करते रहना है तो तब कैसे करोगे तो वो रिविजन को भी करो जो छोटी छोटी रिविजन भी होती हैं कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लूँगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लूंगा ताकि मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए तो इस नार्य में आई वॉन्टेड टू रिकमेंड अ बुक आर्यन ने लिखी है इन फैक्ट माई जूनियर दैट इज द मोस्ट वॉन्टेड बायोलॉजी यू नो मोस्ट वांटेड बायोलॉजी बाई ए वी पब्लिकेशन द गुड थिंग अबाउट दिस बुक इज कि बेसिकली छोटी है इट्स लाइक अ गुड रिविजन बुक बहुत मोटी बुक नहीं है लाइक भर भर के हजारों एम सी क्यूज नहीं है तो रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब जल्दी रिवाइज करना होता है स्पेशली इसमें लास्ट प्रीवियस फाइव ईयस के क्वेश्चन ये हुए हैं जल्दी से रिवाइज कर लो एनसीआर टी बेस्ड नीट बेस्ड क्वेश्चन ये हुए हैं उनको जल्दी से रिवाइज कर लो और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उस टॉपिक के वो दिए हुए हैं सो लेट इज यू योर रिवाइजिंग और टॉपिक मतलब एक प्रॉपर रिविजन हो रही है और एक छोटी रिविजन होती है जो तो हर बार लोग कर रहे होते हैं कि फिजिक्स आज पढ़ रहे थे थोड़ी बहुत बाय कर ली हमें को थोड़ी बहुत एम सी क्यू प्रैक्टिस करने हैं उस नारे में दिस बुक इज परफेक्ट कि जल्दी से तुमने वो टॉपिक किया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें की एंड खत्म कर दिया ताकि तुम्हारे 80% परसेंट क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व हो जाए इफ नॉट 80 एटलीस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट क्वेश्वन हमारे डेफिनेटली सॉल्व हो जाए और जब अच्छे से रिवाइज करोगे उस एक्चुअल टॉपिक को बायो पढ़ने के टाइम पर रिवाइज करोगे देन इट विल शोर कि तुम्हारे 100 में से 100 नंबर है एंड नॉट जस्ट मोस्ट वांटेड बायोलॉजी ऑब्वियसली ऑबियसलीर इज मोस्ट वांटेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल तो यू कैन अंडरस्टैंड कि विच टॉपिक्स इसमें हैव बिन गिवन की टॉपिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट कितनी कितनी वेटेज है सो यू कैन स्टार्टजाइज योर प्लानिंग एंड फॉरगेट दिस बुक यू हैव टू विद दिस प्लानिंग यू हैव टू यूज दिस प्रिंसिपल डोंट वर्क लाइक अ डंकी हार्ड वर्क वैसे डंकी वाला वर्क मत करो स्मार्ट वर्क करो उसमें मेहनत लगा दो उसमें पूरी मेहनत लगा दो जो हम लोग बोल रहे थे ना कीप ऑन रीडिंग एन सी आर डी एन सर डी दट इज नॉट हार्ड वर्क दैट इज स्मार्ट वर्क बिकॉज जस्ट वर रीडिंग टू बुक्स यू इंश्योर यू गेट एटी सेवन क्वेश्चन राइट तुम दुनिया जहान के मॉड्यूल्स पढ़ते रहोगे तुम वो सिर्फ तीन क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे बट बाकी सिर्फ एन पढ़ने से तुम वो तीन एट्टी एटी फाइव एटी फाइव टू एटी सेवन क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे तो स्ट्राटेजाइज करना सीखो ये स्ट्रेटजी कैसे होगी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे बार बार तुम्हें पता रहेगा किस टॉपिक से ज़्यादा आता है किससे कम आता है किससे नहीं आता ओके फॉर एग्ज़ाम्पल आई रिलाइज सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स से क्वेश्चन ही आते ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की फॉर्मलेज रटे और आगे बढ़ा जब एंड का टाइम था तो ये रिविजन के टाइम पे स्पेशली लास्ट टू थ्री मंथ्स के रिविजन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे